देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवाज। नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत खुली खुली दिखने लगी सड़कें। रायसेन जिले की मंडीदीप नगर पालिका द्वारा इन दोनों सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इंदिरा नगर में मुख्य सड़कों के किनारे अतिक्रमण कराने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी अमले ने मीना बाजार वाली लाइन, मेडिकल स्ट्रीट सहित लायंस पार्क के आसपास से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। क्षेत्रीय मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कें खुली खुली सी नजर आने लगी हैं। नगर पालिका के इस अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर जब हमने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र अग्रवाल से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुने। मंडीदीप नगर पालिका परिषद द्वारा जो अतिक्रमण विरोधी काम हो रहा है और जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे उनको हटाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव में हम लोग गए थे और उस समय लोगों को वादा किया था कि एक साफ सुथरा सुगम यातायात सहित स्वच्छ मंडीदीप देंगे और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका परिषद का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। जो लोग अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की तरह उनको हटाया जा रहा है। कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं हो रही है। और कुछ लोग जो स्ट्रीट वेंडर हैं, नगर पालिका एक दोनों ने प्रयास करके उनको विस्थापित भी करेगी, उनको समुचित जगह भी देगी। जो नेशनल हाईवे पर जो सर्विस रोड है वाइन शॉप वाली लाइन में, क्या अतिक्रमण की कार्रवाई उस साइड भी होगी क्या? धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से शनिवार बाजार, स्टेशन रोड, हाईवे रोड और जो उस दायरे में आते हैं उनको हटाया जाएगा। और नगर पालिका की बिल्कुल भी ऐसी मंशा नहीं है ना कोई बदले की भावना से। जो लोग जिनके वजह से यातायात की सुगमता प्रभावित हो रही है या जिनके वजह से आम जनों को परेशानी हो रही है उन्हीं अतिक्रमण को हटाया जाएगा।